नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज सागर जिले के राहतगढ़ में गोवर्धन पूजा के दिन कारसदेव बाबा जी की पूजा अर्चना का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में नगर के बिजली ऑफिस में स्थित कारसदेव मंदिर पर सभी यादव समाज बंधु इकट्ठा हुए, जहाँ पर भगवान कारसदेव की पूजा अर्चना की गई। साथ ही परिसर में मौजूद गौधन को चाक लगाकर आने वाले एक साल के लिए बीमारियों से सुरक्षित किया गया। इस दौरान यादव समाज के युवाओं ने अखाड़ों के कर्तव्य भी दिखाए और आखिर में दिवाली गायन की शुरुआत की गई। वहीं समाज के जानकारों ने बताया कि यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चली आ रही है। गौधन को चाक लगाने से हमारे पशु अगले एक साल तक किसी भी विपदा से सुरक्षित रहते हैं। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। ये दीपावली का कार्यक्रम था, तो यह हर वर्ष या दीपावली के एक दिन बाद सारे गौ माता यहाँ इकट्ठी होती है, उसकी चाक लगाई जाती है, जिससे हमारी एक साल के लिए हमारी गौ माता सुरक्षित सारे रोग रोग से भरी रहती है। ये हमारे बाबा की हम लोगों पर कृपा रहती है, ये हमारी सनातन से चली आ रही है। हम लोग भी जब से हमारे सियाने भी उनके सियाने उनको बताते गए, उनके सियाने उनको बताते गए, इसका कोई अंत नहीं है। ये हमारी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, उसके लिए हम लोग भी आगे बढ़ाते जाते हैं, जो बनता है करते जाते हैं। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम? हम लोगों को जानकारी नहीं, हमारे पूर्वज मनाते आए। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम हो रहा है, और ये तो जानकारी नहीं कि कब से। हमारे पूर्वज दादा के मतलब पिताजी आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, परदादा आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं और प्रति वर्ष अनुसार मनाते, उसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। हाँ, तो बंद नहीं करना चाहिए। बेकार। और इंग्लिश। हाँ।